फुल स्पीड में दौड़ रही अर्थव्यवस्था के रास्ते में महंगाई ब्रेकर बनने को तैयार है। पेट्रोल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। आमदनी पर चली स्केची के असर से इस बार दिवाली पर लोगों ने खर्च घटाने का मन बना लिया है, यानी इकोनॉमी को इस बार जोर का झटका लग सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगले साल तक कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार निकल जाएगा, यानी पेट्रोल की कीमतों में ₹10 प्रति लीटर की और बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसे में इस महंगाई से परेशान आम जनता इस बार दिवाली पर अपना खर्च घटाने की योजना बना रही है। यहाँ तक कि रोजमर्रा के खर्चों में तो कोरोना में कमाई गंवाने वालों ने कटौती शुरू भी कर दी है। हालांकि अभी तक खर्च घटाने के संकेत केवल उन सामानों के मामले में देखने को मिल रहे हैं जिनकी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग पहले दिवाली पर ड्राई फ्रूट्स के 5 बॉक्स खरीदते थे, वो अब एक डब्बा खरीदने पर विचार कर रहे हैं। इसकी वजह ड्राई फ्रूट की बढ़ती कीमतें और लोगों की घटती आमदनी है। जानकारों का भी मानना है कि ज्यादा महंगे आइटम्स खरीदने से लोग इस बार परहेज कर रहे हैं। पेट्रोल आया जिन दाम बढ़ रहे हैं, अभी तलवारी ली हमने ₹40 किलो, 20 रुपए किलो की चीज जो ₹40 में खरीद रहे हैं। लौकी 10-15 रुपए किलो होनी चाहिए, 25-30 रुपए किलो आएगी। टमाटर तो इतना महंगा है, ₹100 में पहले तो फिर भी 30-35, आप सोचो मिडिल क्लास फैमिली कैसे लेगी, आप सोचो ना। टमाटर भी ₹80 किलो बिक रहा है, अब लिया नहीं वापस जा रहे हैं। पहले ₹30 बिक रहा था 15 दिन पहले, एकदम से रेट बढ़ गए हैं। दिवाली भारत में हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है और इस पर हर सामान में जमकर खर्च करने वाले लोग इस बार अपना बजट घटाने में जुटे हैं। कंज्यूमर गुड्स की शॉपिंग के लिहाज से तो दिवाली सबसे खास मौका होता है, लेकिन इस बार इस मार्केट में भी रौनक नहीं है। काफी लोगों ने इस त्योहारी सीजन में टीवी और ज्वेलरी जैसी बिग टिकट खरीदारी को टाल दिया है। ऐसे में कोरोना संकट से उभरती अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर इससे असर पड़ सकता है। इस महंगाई की बड़ी वजह पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, जो एक साल में 35% तक बढ़ गई हैं। कुकिंग गैस के भाव में भी 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। छोटे कारोबारियों का कहना है कि पेट्रोल और कुकिंग गैस के बढ़ते दाम के चलते उनकी कमाई प्री कोविड स्तर से 30% तक कम है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस वजह से देश के 3/4 लोगों पर असर पड़ने की आशंका है। रसोई पर इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर हुआ है। पहले जहां लोग हफ्ते में कई बार घर पर या बाहर से मंगाकर स्पेशल खाना खाते थे, उसे अब घटाकर हफ्ते में एक दिन तक सीमित कर दिया गया है। यानी जिस खपत की ताकत पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था दौड़ती है और अभी रिकवर हो रही है, उसमें महंगाई बड़ी मुश्किल बनने का खतरा पैदा कर रही है। आज तक ब्यूरो। सेमीकंडक्टर के संकट को सुलझाने के लिए अब एप्पल और गूगल जैसी दिग्गज टेक कंपनियां खुद की चिप बना रही हैं। एप्पल और गूगल के इस हफ्ते लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स में दोनों कंपनियों ने खुद की चिप और प्रोसेसर का इस्तेमाल किया है। शुरुआत से ये कंपनियां अपने ग्राहकों के नएपन का अनुभव कराना चाहती हैं। टेक के दीवानों के लिए ये हफ्ता खासा दिलचस्प रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत में एप्पल ने जहां M1 प्रो और मैक्स पावर मैकबुक प्रो को लॉन्च किया था, वहीं गूगल ने पिक्सल 6 सीरीज को लॉन्च कर दिया है। इसमें कंपनी का बनाया हुआ टेंसर प्रोसेसर लगा हुआ है। इन प्रोडक्ट्स के लॉन्च में इस बार एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। दरअसल दुनिया भर में जारी सेमीकंडक्टर संकट से निपटने के लिए अब टेक कंपनियां अपनी रणनीति बदल रही हैं। अभी तक एप्पल मैकबुक में इंटेल की चिप्स होती थी, जबकि एप्पल की मैकबुक में कंपनी ने खुद की बनाई हुई M1 चिप को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। गूगल के स्मार्टफोन में अभी तक क्वालकम की चिप लगी होती थी। चिप की कमी के चलते अब कंपनियां केवल चिप मैन्युफैक्चरर्स के भरोसे नहीं बैठ सकती। ऐसा करने पर उन्हें प्रोडक्ट लॉन्च करने में देरी का सामना करना पड़ेगा। एप्पल पहले ही साफ कर चुका है कि इस साल चिप की कमी से वो 10 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले केवल 9 करोड़ आईफोन 13 ही बना पाएगा। इसके साथ ही खुद की चिप बनाने की एक बड़ी वजह ये भी है कि कंपनियां अपने ग्राहकों को तकनीक के नए अंदाज से रूबरू कराना चाहती हैं। They want to customize these chips so that the entire experience on top of it for their own product and ecosystem products, they can fine-tune it accordingly. They'll still license the architecture from the companies like ARM, Intel, and give it to manufacturing for the foundries
like TSMC. But what they are technically doing here is they are designing chips in-house so that they actually control the key elements of a chip making, which is the power efficiency and the performance. हालांकि अपनी बनाई चिप को इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि इंटेल और क्वालकॉम की चिप बेकार हो जाएगी। दरअसल जिस तकनीक का इस्तेमाल दिग्गज चिप निर्माता कंपनी करती है वो अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों से कई जनरेशन आगे है। These companies are not sitting silent, right? And in some of the areas, these companies are almost like four generations ahead. So for example, talking about smartphones, someone like Qualcomm is already ahead from their competitors by almost like four generations. In fact, Apple still buys modem from Qualcomm. So I don't think the reliability on these traditional companies are going anywhere. The only thing what it will do is it will kickstart the pace of innovation even faster. इस सारी कवायद से समझा जा सकता है कि टेक कंपनियां R&D पर अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। इस खर्च से उम्मीद है कि ग्राहकों को नई तकनीक से लैस आधुनिकतम प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में जल्द ही कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आज तक ब्यूरो बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।